हेलो एवरीवन, सो थैलेमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बोथ इन योर न्यूरो एनाटॉमी एज वेल एज सीएनएस फिजियोलॉजी. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी थैलेमस एज अ होल, व्हाट आर इट्स न्यूक्लियाई, व्हाट आर इट्स फंक्शन, व्हाट आर इट्स कनेक्शन, सो दैट यदि आप न्यूरो एनाटॉमी अब जाके नहीं भी पढ़ेंगे सो आपका थैलेमस पूरा कंप्लीट हो चुका है. सो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें. आखिरी में क्वेश्चन है, उसका आंसर कॉमेंट्स में दीजिएगा. सो अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें. शुरू करते हैं थैलेमस से. सो बेसिकली व्हाट इज यू नो थैलेमस. सो थैलेमस में आपको और कुछ याद नहीं रखना है, रिले. क्या मतलब है समझते हैं. बेसिकली थैलेमस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन. ओके, जैसे कि हमने हाइपोथैलेमस में देखा था बिल्कुल वैसे ही हम थैलेमस को देखते चलेंगे. सो डायनसेफेलॉन में आपका थैलेमस है और आपका हाइपोथैलेमस है. ओके, अब जो थैलेमस है, जैसे कि आपके बाकी पार्ट्स होते सीएनएस के, इज नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई. बेसल गैंग्लिया में न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई, है ना. सो थैलेमस इज जस्ट अ क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई. और इसकी लोकेशन क्या है, लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. सो ये हम थर्ड वेंट्रिकल में और अच्छे से जानेंगे, बजाय अभी यदि आप देखें. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ योर ब्रेन. And in this is the third ventricle. So if some structure is going away from the midline, so it will obviously be lateral ventricle. So ये जो आपका thalamus है, ये upper lateral wall बनाता है. So ये एक basic definition आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब thalamus, जैसे कहा दो thalamus है, right और left thalamus. So जो right and left thalamus है, they are joined together by a structure known as massa intermedia. इसका क्या मतलब है, यदि आपसे मैं कहूँ this is two thalamus, so it is joined by a structure massa intermedia. Okay, so these are just basic fact. और अब मैंने आपसे जैसे कहा, अगर आपको thalamus में कुछ भी याद नहीं है, आपको एक चीज याद रखना है, relay. ठीक है, सेंसरी कुछ भी पाथवे आएगा वो रिले होके फिर आगे जाएगा. मोटर कोऑर्डिनेशन, एक आपको प्लान करना है, मूव करना है, वो सब thalamus के थ्रू होगा. ठीक है, तो आपको अब हम thalamus समझेंगे अच्छे से. सो नाउ यू नो द बेसिक डिटेल्स. अब बात करते हैं मेन जो डराने वाली चीज है. सो बेसिकली दीज आर योर थैलेमिक न्यूक्लियाई. सो कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं, काफी आसान है. आप बस मेरे साथ क्या करते चलिए, समझते चलिए. सबसे पहले हम देख रहे हैं एक थैलेमस, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा, दूसरी साइड है एक थैलेमस, ठीक है. वी हैव बेसिकली डिसेक्टेड दिस पार्ट. ओके, सो ये जो आपका पार्ट है टूवर्ड्स मिड लाइन, दिस विल बी योर मीडियल, एंड जो अवे जा रहा है दिस इज योर लेटरल. ठीक है, अब ये सब क्या है, न्यूक्लियाई काय में होते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ग्रे मैटर. ओके, और जो व्हाइट मैटर है, बेसिकली व्हाइट मैटर जो थैलेमस में है, वो आपके दो बार देखने को मिलते हैं. एक होता है एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना और एक होता है इंटरनल मेडुलरी लेमिना. तो जो एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना है ना, वो बेसिकली थैलेमस को कॉर्टेक्स से कनेक्टेड रखता है. बट जो थैलेमस के अंदर ही अंदर कहानी चल रही है, दिस इज बाय योर इंटरनल मेडुलरी लेमिना. सो अभी आपको समझ में आया इंटरनल मेडुलरी लेमिना वाई शेप्ड में कैसे इसको बांट रहा है, मीडियल और लेटरल. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं याद रखना है न्यूक्लियाई, आपको बस इतना याद रखना है अभी के लिए, मीडियल लेटरल. ठीक है, अब एक पार्ट बच गया, वो ना मीडियल बता पा रहे हो ना लेटरल, तो उसको क्या बता दिया, एंटीरियर. ठीक है, तो तीन बांट दिए मेरे साथ, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर. अब इनको फर्दर बांटेंगे. ठीक है, सो अब आपका ये लेटरल है, इसको आपको फर्दर बांटना है और मीडियल को हम देखेंगे. सो अब बेसिकली शुरू करते हैं, दीज आर एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई. सो जो लेटरल न्यूक्लिया है उसको हम बांटेंगे वेंट्रल, ऑरेंज में देखते चलिए, दीज आर हेडिंग्स, है ना, और उसके फिर अंडर, फिर ये शायद कुछ है, फिर इसके फिर अंडर. ठीक है, अभी आप वेंट्रल और डॉर्सल, ठीक है, फिर मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया और एंटीरियर ग्रुप. सो मैंने आपसे क्या कहा कि लेटरल को आपको बांटना है, दिस पार्ट इज योर डॉर्सल, ठीक है, और ये पार्ट है आपका वेंट्रल. ओके, इज दैट ओके. अब बिल्कुल आप जैसे ब्रोंकोपल्मरी सेगमेंट पढ़ते थे ना, कि जैसे क्लासिफाई करा तो लोकेशन के हिसाब से उसको लिख दिया. अब वेंट्रल में आपको क्या करना है, वेंट्रल में ये क्या होगा, एंटीरियर साइड, सो वेंट्रो एंटीरियर, बचा क्या, वेंट्रो लेटरल. ठीक है, ये चीज हो गई. फिर जो एंटीरियर सबसे पीछे क्या होगा, वेंटेरो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर फिर से बटेगा, पोस्टीरियर में भी लेटरल और पोस्टीरियर में मीडियल. ओके, ये अभी रहने दीजिए, ये हमारे काम करेंगे. सो वेंट्रो पोस्टीरियर, वेंट्रो लेटरल, वेंट्रो मीडियल आपको याद रखना है. ठीक है, अब बाकी न्यूक्लियाई देखेंगे. सो अब बेसिकली आपने ये समझा, लेटरल, लेटरल को बांटा वेंट्रल और डॉर्सल में. ठीक है, अभी वेंट्रल की बात हो रही है, वेंट्रल में एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, बीच में लेटरल, पोस्टीरियर को बांटा पोस्टीरियर मीडियल, पोस्टीरियर लेटरल. इतना कूल है. अब उसके बाद आपको बस ये जो दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, कौन सी मिडलाइन के पास दिख रही है, कौन कहां आएगी, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. सो आपने ये चीज कर ली, इतना आप समझ के चलिए, रटना नहीं है. ठीक है, अब जो बचा डॉर्सल ग्रुप, तो डॉर्सल में आपने क्या कहा, बिल्कुल वैसे, ये डॉर्सल है, डॉर्सल को आपने बांटा लेटरल डॉर्सल. ठीक है, ये आपका लेटरल डॉर्सल, लेटरल डॉर्सल के पीछे क्या आएगा, लेटरल पोस्टीरियर, और इधर सबसे जो आएगा वो है आपका पल्विनार.
सो इज दैट ओके? तो आपने फिर डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई को भी बांट दिया, ठीक है। अब बात आती है मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई की। सो मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई को आप ऐसा समझ लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, इनको आपको बस सॉर्ट ऑफ जो मीडियल है, मतलब मिडिल है, उसी को बार बार अलग तरीके से लिखना है। सो मीडियल में सेंट्रोमीडियल, डॉर्सोमीडियल और मिडलाइन। सो आप देख सकते हैं बेसिकली इन्होंने भी अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं बताया। सो बेसिकली दीज आर जस्ट योर लोकेशन। मिडलाइन जो आपके हैं बेसिकली, ये जो आपका ये मासा इंटरमीडिया रहेगा, यहाँ पे न्यूक्लियाई सारे रहेंगे, और ये आपके मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियाई है। सो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंट्रोमीडियल, ठीक है, अलोंग द मासा इंटरमीडिया, डॉर्सोमीडियल और मिडलाइन, तो ये आपको सीज साउंड में आ गई। और आपके एक सबसे अच्छे से जिन जो कहीं पे भी क्लासिफाई नहीं होते, वो एंटीरियर आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। सो आपको एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद हो गया है, कुछ नहीं करना है। वेंट्रल मीडियल, मतलब सबसे पहले आपने बांटा लेटरल मीडियल, लेटरल को बांटा फिर वेंटीरियर डॉर्सल, ठीक है, वेंटीरियर को फिर एंटीरियर पोस्टीरियर, बीच में लेटरल, मीडियल लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और आपका फिर डॉर्सल को आपने तीन में बांटा एलडी एलपी और पल्विना, और आपका मीडियल तो फिर है ही सी। इज दैट ओके? साथ में याद करते चलिए, बाद में याद करने के लिए मत छोड़िए, कभी याद नहीं होगा, ठीक है। सो ये चीज आपने याद कर ली, इतनी है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट देके, अब हम बात करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अभी हमने एनाटॉमिकल देख लिया, अब फंक्शनल में क्या है, फंक्शंस क्या है थैलेमस के। मैंने आपसे कहा था कुछ भी चीज हो रिले, ठीक है, तो रिले आपको काय काय का करा सकते हो आप, सेंसरी मोटर, ठीक है, और एक आपका पूरा इंटीग्रेटेड। तो अभी हम फंक्शन के हिसाब से कैसे बांटेंगे, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, ओके, कहीं प्रोजेक्ट करना, ठीक है। सो थैलेमस में यदि कुछ आया है तो उसको प्रोजेक्ट करना। तो कई न्यूक्लियाई है जिनका नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शन रहेगा, कहीं का स्पेसिफिक रहेगा। तो स्पेसिफिक को आप कैसे बांट सकते हैं, या तो स्पेसिफिक सेंसरी रिले होगा, या तो फिर मोटर कंट्रोल होगा, या तो फिर विसरल इफरेंट होगा। विसरल इफरेंट का मतलब क्या है, आपका मेमोरी फॉर्मेशन, फिर आपकी इमोशंस, ये सारी चीजें। और इंटीग्रेटिव परसेप्चुअल फंक्शन मतलब आपकी विजुअल चीज को कंबाइन करके, ऑडिटरी को कंबाइन करके कुछ प्लान बनाना। जैसे मैं अभी आपसे इतनी सारी चीजें बोल रहा हूँ, पहली बार सुन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है, बट आपका ये पाथवे अच्छा है, ओके। सो ये आपको फंक्शनल के हिसाब से बांटा। सो अब वापस से आपको न्यूक्लियाई याद करने पड़ेंगे कैटेगरी वाइज। सो अब डर लग रहा है कि अरे बापरे फिर से कुछ नहीं, शांति। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था जो मिडल या मीडियल है वो ज्यादा काम के नहीं है। तो ज्यादा काम के से क्या मतलब क्या है कि वो नॉन स्पेसिफिक है, उनका कुछ असाइंड नहीं है, ठीक है, बीच के हैं। सो बेसिकली वो फंस चुके हैं, ना इधर जा पाए ना उधर जा पाए, तो नॉन स्पेसिफिक। तो ये याद हो गया आपको, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक में सेंट्रोमीडियन और मिडलाइन, ठीक है, ये आपको मेरे साथ याद करते हुए चलना है। अब आपको ये देखिए, सेंट्रोमीडियन और मिडलाइन कहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, बचा क्या, डॉर्सोमीडियल, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, अभी आप ये याद करते चलिए, आपने इतना याद कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको आपके साथ साथ ये इरेज कर रहा हूँ, अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली। सो दिस इज योर स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लियाई में सेंसरी, ठीक है। तो सेंसरी में थोड़ा सा आपको मैं फैक्ट्स बता दूं, बेसिकली हमने ट्रैक्स देखे थे। तो ट्रैक्स अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो इसके बाद देख लीजिएगा। ट्रैक्स में याद है हम वीपीएल न्यूक्लियस लिखते थे थैलेमस में, चाहे स्पाइनो थैलेमिक हो, चाहे आपका डॉर्सल कॉलम हो, वीपीएल न्यूक्लियस, वीपीएल न्यूक्लियस। सो व्हाट इज वीपीएल, वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल। तो यही तो अभी आपने लिखा है ना, आपने मेरे साथ यही तो करा कि वीपी को आपने वीपीएल में बांटा, तो बस। तो अब आपको क्या टेंशन है, अब मैं आपसे यदि कहूं कि जो आपका ये वाला था तो इसमें आपने मेरे को वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल बता दिया है, ट्रैक्ट में था मतलब सेंसरी, ठीक है। तो मैं अब यहां से रिमूव कर दिया, तो कहां लिखूंगा मैं, सो बेसिकली मैं आपको लिखूंगा जो आपका जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो आपका मैं कहां लिखूंगा, सेंसरी रिले में, ठीक है। सेंसरी रिले में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल, ठीक है। तो आपको ये चीज याद हो गई। अब वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल के जैसे ही आपको याद रखना है वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल, ये भी कहां से सेंसेशन देगा देखेंगे। तो ये दोनों साथ साथ रखें, और जो जो दो छोटी छोटी बॉडीज थी ये भी सेंस ही करेंगी। अगर आपने ऑडिटरी पाथवे और अगर आपको हियरिंग पाथवे पता हो, मतलब विजुअल पाथवे पता हो, तो आपको याद भी होगा, मैं आगे बताऊंगा। सो ये पूरा जो है ना, ये फैमिली आपकी सेंस कर गई। तो आपको ये भी याद हो गया कि सर ने फंक्शनल क्लासिफिकेशन में मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। सो अब मैं पेरेंट क्लासिफिकेशन में आऊंगा जो एनाटॉमिकल है। तो मैं अब उसमें से आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, ये पूरी कैटेगरी थी, हो गया, ठीक है। नाउ यू आर डन विद दिस। अब आपके पास क्या बचा, मोटर कंट्रोल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो मोटर क्या है, मोटर इज काफी इंपॉर्टेंट है ना, मोटर में आपको हमेशा आगे बढ़ना है, चलना है, कुछ भी करना है, दीज आर मोटर एक्टिविटी। तो ये आपका काम करेगा वेंट्रल एंटीरियर, सारे काम वेंट्रल ही कर रहे हैं ना यूजुअली, मोस्ट ऑफ द
यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो एंटीरियर और लेटरल है ये आपके मोटर काम करेंगे, ठीक है। सो ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आगे बने रहिए, अभी याद करते चलिए। सो वेंट्रल एंटीरियर वेंट्रल लेटरल आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो मैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में जाऊंगा, वेंट्रल एंटीरियर आपको याद हो गया, लेटरल आपको याद हो गया, ये खत्म, ठीक है। तो आपने एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन लगभग लगभग क्लासिफाई कर दिया है। अब क्या बचा है, ये डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया, तो ये बड़ा सरदर्द है, तो चलो इसको भी खत्म करते हैं। तो अब बेसिकली इनको कैसे याद रखेंगे, अब मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास क्या क्या है, सेंसरी हो गया, नॉन स्पेसिफिक हो गया, मोटर हो गया, अब बचा क्या, मेमोरी है ना, विजुअल एफरेंट। तो इसमें आपके जो सरदर्द है उनको रखना शुरू कर दो। अब इसमें एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया पूरा, ये एंटीरियर और इसके साथ साथ कौन सा, डॉर्सो मीडियल, तो इसके साथ साथ आपको डॉर्सो मीडियल न्यूक्लिया को रखना है, इज दैट ओके। सो यहाँ पे आपने क्या करा, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो आपका डॉर्सो मीडियल यहाँ छूटा हुआ था, और ये देखिए अपने आप, आपको ये ऑर्डर याद है तो ये अपने आप बन गया, ये दोनों पास पास है तो ये दोनों बोलेंगे चल अपन मेमोरी का काम करते हैं, तो ये भी गया ये भी गया, हो गया, ठीक है। मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया खत्म, तो मीडियल यहां से डॉर्सो मीडियल आया और उसने एंटीरियर की मदद से मेमोरी में फॉर्मेशन में मदद की, ठीक है। अभी समझ में आएगा बहुत अच्छे से, शांति। अब बचे हैं बस ये तीन, जो कि आपका है लेटरल में भी डॉर्सल वाला पाथवे, ठीक है। सो ये तीनों का आप उठा के कहां रख देंगे, इंटीग्रेटेड में। इंटीग्रेटेड में क्यों रख देंगे मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली यदि आप देखें ध्यान से तो ये जो चीज है ना, ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये भी इनपुट दे रहा है ये भी इनपुट दे रहा है, मतलब मैंने आपसे क्या कहा था इंटीग्रेट करना है, तो सुने देखे, मतलब देखे सुने ठीक है फिर इंटीग्रेट करें। सो ये कहीं ना कहीं साथ में दिख रहा है, सो आपने कहा हाँ सर ये सही है, इनको भी ले लो इसके साथ और डाल दो कहां पे, वहां पे। सो बेसिकली डॉर्सल आपके मैं अब यहां से हटा रहा हूं। सो आपको एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पूरा खाली हो चुका है, ठीक है। अब अपन आ चुके हैं फंक्शनल में, नॉन स्पेसिफिक में देख लिया, स्पेसिफिक सेंसरी देख लिया, मोटर देख लिया, विसरल एफरेंट देख लिया और आपका इंटीग्रेशन देख लिया। सो आई होप दिस इज ओके, अब और आसानी से याद होगा, शांति। अब मैं बात कर रहा हूं आपको कनेक्शंस की। सो अब आप फिर घबरा जाएंगे कि कनेक्शंस में क्या फिर याद रखना है, नहीं, कनेक्शन में आपको बस ये डायग्राम याद रखना है। क्या मैं इस डायग्राम में कलर डाल रहा हूं, सो बेसिकली अब आपको ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। सो डायग्राम में क्या याद रखेंगे, अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है, देखिए अब मेरे साथ बोलते हुए चलिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां से नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लिया, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक है मतलब बीच में है, कोई स्पेसिफिक इनकी स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो इनका आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इनके कनेक्शंस कहां से, बेसिकली ये इंटीग्रेट करने का काम करेंगे। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे सेंसरी, यहां से सेंसरी हेडिंग शुरू है, स्पेसिफिक सेंसरी, तो वेंट्रल पोस्ट्रोमीडियल और वेंट्रल पोस्ट्रोलेटरल। सो अब डायग्राम देखिए और मुझे बताइए, कनेक्शंस मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये देखना है और ये देखना है, ठीक है। तो इनमें क्या आ रहे थे आपके ट्रैक्ट्स आ रहे, वीपीएल में ट्रैक्ट्स आ रहे, ठीक है। जो मीडियल और ट्राइजेमिनल लेमिनस का है, बेसिकली जो मीडियल लेमिनस का है वो आपका पूरी बॉडी से है और ट्राइजेमिनल आपका फेस से है, ये आपने ट्रैक्स में डिटेल में पढ़ा होगा। सो ये वीपीएल वीपीएम आपको याद हो गया, इसके कनेक्शंस का है, ये आपका एफरेंट है और सेंसरी है, तो सेंसरी कहां रिले करेगा, सेंसरी कॉर्टेक्स में, तो यहां से आया ट्रैक्ट, यहां से चले गया सेंसरी कॉर्टेक्स में, तो इज दैट ओके। काफी आसान है याद रखना, एक बार समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। सो वीपीएल में मीडियल लेमिनस का स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट देख चुके हैं, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से फिर सेंसेशन, ठीक है। और जो आपका वेंट्रो पोस्टरो मीडियल है, ये टेस्ट पाथवे यदि आपने शायद याद हो, हम देखेंगे अगर हो पाया तो टेस्ट पाथवे में मतलब कहीं ना कहीं आपका सेंसेशन है, तो ये दोनों सेंसेशन में थे, बिल्कुल ठीक, ठीक है। मीडियल जेनिकुलेट और लेटर जेनिकुलेट भी सेंसेशन में था, तो बिल्कुल था। तो लेटर जेनिकुलेट एल से याद रखिए, लेंस, तो दिस इज कनेक्टेड विद आई, ओके। सो लेटरल ऑप्टिक ट्रैक्ट है ना, और इधर आपका जो मीडियल है मिडिल ईयर, ठीक है, तो कान, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी ऑडिटरी पाथवे है, लेटरल लेमिनस का कह लीजिए या आपका कॉक्लिया कह लीजिए, ये अफेरेंट आया, कहाँ पे गया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स 41-42, विजुअल कॉर्टेक्स ये, तो लेटरल जेनिकुलेट ये आपको अफेरेंट इफरेंट समझ में आ गया, तो ये डायग्राम आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये एक देख लिया, दो देख लिया, तीन देख लिया, चार देख लिया, ओके। अब हमने एक कैटेगरी खत्म कर दी सेंसेशंस की, है ना, सेंसरी वाली। अब बात करते हैं मोटर वाली। सो मोटर का क्या सीन है, मोटर का बेसिकली है ये चीज, ट्रैक्ट्स तो हम देख चुके हैं, ये ट्रैक्ट सब मैं हटा रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा। सो अब हम बात करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन मोटर की। तो मोटर का मतलब क्या है, आपको कंट्रोल करना है मोटर एक्टिविटी, मोटर कॉर्टेक्स को इन्फ्लुएंस करना है कि भाई तेज चल या धीरे चल, ओके। सो हम न्यूक्लिया देख चुके हैं, यही दो थे, है ना। तो अब आप देखिए वेंट्रल एंटीरियर और वेंटेरो लेटरल,
कौन से मोटर एक्टिविटीज है, सेरेबेलम, बेसल गैंग्लिया, हमेशा मैंने आपसे कहा है याद रखिए या तो सेरेबेलम होगा या बेसल गैंग्लिया होगा, तो ये दोनों के इफरेंट अफरेंट यहाँ पे आएंगे, सेरेबेलम यहाँ आएगा, बेसल गैंग्लिया का जीपी यहाँ आएगा, सबस्टेंशन आप इतना नहीं याद रखेंगे, आपको बस सेरेबेलम याद रखना है और बेसल गैंग्लिया याद रखना है, ठीक है। इफरेंट कहाँ होगा, मोटर कॉर्टेक्स, इतना मत स्पेसिफाई हुई है प्री मोटर मोटर, अभी आपको बस मोटर कॉर्टेक्स भी पता होगा तो दिस इज सफिशियंट। सो सेंसरी पूरा हो चुका है, सेंसरी 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 ये अभी बचा है ना, मोटर मोटर मोटर, ओके। अब बच रहा है आपका विसरल एफरेंट, ठीक है। विसरल इफरेंट मैंने आपको कहा था मेमोरी, तो मेमोरी जैसे मैं कहूँ आपको हाइपोथैलेमस याद आना चाहिए, वीडियो देखिएगा अगर अभी तक ना देखा हो, एम फॉर मेमोरी, एम फॉर मेमोरी बॉडी, मेमोरी मेमोलरी बॉडी, इफरेंट गया सिंगुलेट कॉर्टेक्स एरिया 24, ना भी याद रहे चलेगा, मेमोलरी बॉडी याद रखना है। सो ये आपका कनेक्शन हो गया, और ये जो आपका डोर्सो मीडियल है ये इसी के साथ है, ठीक है। मैंने कहा था ये दोनों मिलके बोलेंगे चल विसरल एफरेंट। सो ये जो आपकी चीज है प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स, ठीक है। प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स क्या बोली थी, पर्सनैलिटी 9 से 11 याद है ना। सो प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स ये सारे जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई यही आएंगे और फिर वापस यही चले जाएगा, मतलब एक चीज आपने सोची फिर एक चीज वापस से सोची, तो आप क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं ना कि मैं अगर ये करूंगा फिर मैं ये करूंगा। सो ये दिस प्लानिंग, सो दिस प्लानिंग और ये पूरा मेमोरी, ये पूरे काम किसके हैं आपके, इस ये दोनों न्यूक्लियाई के। सो ये भी क्लियर हो गया। अब बचा है बस ये आपका इंटीग्रेटेड, तो मैंने आपसे क्या कहा था ये पल्विनार हो गया या लेटरल डोर्सल है ना, एक और है जो यहाँ पे लेबल नहीं है, कौन सा आपको याद होगा। सो ये जो तीनों का काम है, इनका काम क्या है, आंखों कान से लेके पूरा इंटीग्रेट करके परसेप्ट कराना। सो इसके कम्युनिकेशन देखिए, सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलाय और अल्टीमेटली पेराइटल ऑक्सीपिटल सुपीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स। तो ये आपका पूरा आपको सेंस हो जाएगा, बोल क्या रहा है, सुन क्या रहा है और फिर बोलना क्या है, सब चीजें यहाँ से सेंस हो जाएगी। सो ये आपका अफरेंट और इफरेंट कनेक्शन हो गए। सो यही कनेक्शन अब आप बुक्स में देखेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से दिए कॉलम्स बना के, बट आप बस ये डायग्राम याद रखिए और फिर आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो विसरल इफरेंट में मैंने आपसे कह दिया है, डोर्सो मीडियल में आपका इमोशन थिंकिंग प्लानिंग, और इंटीग्रेटेड में आपका पल्विनार एलपीएन और एलडीएन ये आपको पता है, और जो आंख और कान को मिला के हो जाएगा। तो अगेन घबराने की बात नहीं है, वीडियो पूरा अच्छे से 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना और फिर उसको डायग्राम जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये डायग्राम से शुरू हुए थे और आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब बात है फंक्शंस की। सो ये क्या था, ये सब फंक्शंस नहीं था, ये सब फंक्शंस ही हैं, इनको आप थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख दो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो क्या है, रिले है ना, 6 बार तो आप रिले ही लिख दो, रिले रिले रिले, कहाँ सेंसेशन, ठीक है, सेंसरी पाथवे का रिले, ठीक है, जो भी आपका मोटर कॉर्टेक्स का रिले, ठीक है, रिले आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन का, ठीक है, रिले आपका बेसल गैंग्लिया और सेरेब्रल कॉर्टेक्स का अगेन, ठीक है, रिले आपका ऑडिटरी विजुअल पाथवे का, सब डिस्कस हो चुका है, रिले आपका इमोशनल रिएक्शंस का, ठीक है, लिम्बिक लोब पेपे सर्किट वो सब है ना, वो अभी पेपे सर्किट आएगा आगे। सो बेसिकली ये चीज हो गई, रास में अभी आएगा वापस से, बट अगेन रास का भी इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट है। अब क्या होता है कि कई बार कॉर्टेक्स चाहिए होती है सेंसेशंस के लिए, पर कुछ सेंसेशन ऐसे हैं जो बिना कॉर्टेक्स के, मतलब थैलेमस खुद ही सेंस कर लेगा कि जैसे दर्द हो रहा है, तो सपोज थैलेमस खुद ही सेंस कर लिया, सो दिस इज कॉल्ड ए सबकॉर्टिकल परसेप्शन ऑफ सेंसेशन विदाउट सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं, नो इश्यूज। और क्या है, बेसिकली आपकी वही चीज आपको घुमा फिर हके 2 बार लिखनी है, बेसिकली वही मोटर मूवमेंट, बेसल गैंग्लिया, सेरेबेलम, फिर इंटीग्रेट करेगा स्लीप के लिए पेपेस सर्किट, आरएएस, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रोल इन जेनेसिस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईईजी। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, मैं मानता हूँ, बट पहली बार सुन रहे हैं शायद इसलिए, 2-1 बार आप देखेंगे तो काफी इजी हो जाएगा, बुक से तो बहुत इजी हो जाएगा। सो अब एंड में पढ़ क्यों रहे हैं, डॉक्टर बनना है, डायग्नोस करना है थैलेमिक सिंड्रोम क्या होता है। अब अगेन आपको अगर थैलेमस क्लियर है तो आपको थैलेमिक सिंड्रोम क्लियर होगा, अगर आपको थैलेमस फंक्शंस पता है तो थैलेमिक सिंड्रोम क्लियर होगा। बेसिकली पीसीए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, आप पढ़ेंगे आगे चल के, वो P1 P2 सेगमेंट में डिवाइड करती है, ठीक है। P1 सेगमेंट में फिर मिड ब्रेन, थैलेमस, ये सब सप्लाई होता है, फिर इससे एक सिंड्रोम होता है डिजेरियन राउसी सिंड्रोम, वो सब अभी याद नहीं रखना है। अभी आपको क्या याद रखना है, जो पीसीए है उसकी एक आर्टरी होती है, ये आर्टरी क्या कहलाती है, पेनेट्रेटिंग आर्टरी, जो पेनेट्रेट करती है, ठीक है, उस आर्टरी का नाम क्या है, थैलेमोजेनिकुलेट आर्टरी। नाउ दिस थैलेमोजेनिकुलेट आर्टरी इज ब्लॉक्ड, ठीक है, तो अब कौन से न्यूक्लियस जाएंगे आपके, पोस्ट्रो वेंट्रल पोस्टेरो लेटरल, ये मैंने जैसे ही कहा आपको याद रहना चाहिए, क्या बात है, ट्रैक्ट, ठीक है, कौन सा ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक डोर्सल कॉलम, तो बस वो गया, तो वो ट्रैक्ट का सेंसेशन गया, तो वो ट्रैक्ट के सेंसेशन यहाँ लिख दो और आंसर हो गया थैलेमिक सिंड्रोम, आपको डायग्नोस हो गया थैलेमिक सिंड्रोम, आप क्या कर सकते हो, आपको पता चल गया, दैट्स इट, MRI लगाओ, डायग्नोस करो, चल है,
ठीक है. सो थैलेमिक सिंड्रोम इज डन एंड अल्टीमेटली थैलेमस इज डन. सो अगेन आई वुड इंसिस्ट दैट कीप वॉचिंग एंड टुमारो वी विल ट्राई टू मैक्सिमली कवर एम्ब्रियोलॉजी, है ना. सो कीप सपोर्टिंग द इनिशिएटिव. इट्स वेरी नाइस टू हैव सच स्टूडेंट्स हु आर वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज नॉट फन एक्चुअली, है ना. सो दिस इज द असेसमेंट क्वेश्चन, यू कैन आंसर इन कॉमेंट्स विद हियरिंग. सो आई हैव टोल्ड यू लेंस इज फॉर वॉट एंड मिडिल ईयर इज फॉर वॉट. सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट थैलेमस एंड प्लीज शेयर द इनिशिएटिव एंड कीप हेल्पिंग अदर्स. Thank you. Stay safe. Stay healthy.